हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग आई अरेबियन टी ट्वेंटी लीग की बात करेंगे जो कि मैच होगा दुबई डेड डेविल्स और गोल्डन सुप्रीमो जो भी नाम है इसके बीच में खेला जाएगा तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कौन से प्लेयर को हम लोग क्या है स्मॉल लीग में, में लेके जाएंगे कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे ग्रांड लीग में पिक करेंगे प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट बेसोस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट लास्ट में हमारी फेंटासी टीम भी देख लेते हैं तो चलिए सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करेंगे इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं अभी देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर पाण्डुचेरी टी रेगुलर कवर करें इसके साथ साथ यहाँ से आपको साउथ अफ्रीका वुमन और ऑस्ट्रेलिया वुमन के बीच में खेली जाने वाली वनडे टूर्नामेंट के वीडियो मिलेंगे साथ ही में हम लोग यहाँ पर आ, कभी कभी अपन के सी सी टी ट्वेंटी भी कवर करते हैं तो ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है साथ ही में टेलीग्राम से जुड़िएगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैच फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रांड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है बात करते हैं इस मैच की तो ये मैच रात को दस बजकर पैंतालीस मिनट पर आई एकेडमी दुबई यू में खेला जाएगा जहां पर पिच रिपोर्ट की बात कर तो बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है रन्स यहां पर आला दर्जे के रंस बनते हैं मतलब बहुत ही अच्छे रंस बनते हैं डेढ़ के प्लस मैंने मेंशन किया लेकिन आंकड़ा दो के पार जा सकता है अगर यहाँ पर डी पहले बैटिंग करवाती है तो आंकड़ा यहाँ पर दो के पार जा सकता है चेजिंग में यहाँ पर ज्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है तो जो भी टीम टॉस देते पहले बल्लेबाजी यानी कि बैटिंग करना पसंद कर सकती है तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम डीडीडी की दुबई डेड दे डेबल्स की पांच मैच के लिए जिसमें से चार जीती एक मैच आ रही है ओपनिंग की बात करें तो किरण नायडू ने ओपनिंग करवाया था मोहित मिट्टन के साथ किरण नायडू आगे ओपनिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे कंफर्म नहीं कह सकते हैं इससे नो कंफर्मेशन क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं पहले मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई थी फिर जीरो की लास्ट मैच के अंदर दस रन की है बाकी मोहित राघव वेरी इंपॉर्टेंट बिके एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है और आज की मैच के लिए तो खास सेकंड लास्ट मैच के ना चालीस रन के साथ तीन विकेट और लास्ट मैच के ना सिक्सटी एट रन के साथ दो विकेट बैटिंग बॉलिंग दोनों इसे एडवांटेज दे रहे तो कप्तान वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट पिक रहेंगे वी रेगुलर यहां पर ओपनिंग भी करवा रहे हैं आगे हम लोग यहाँ से वन डाउन की बात करते हैं तो लास्ट मैच के अंदर रोबिन बिस्ट ने वन डाउन में बैटिंग की थी अभी देखो इनका पिछला टूर्नामेंट काफी जबरदस्त रहा था छत्तीस पच्चीस और इकतालीस जैसे स्कोर किए थे लास्ट में चौदह रन किए लेकिन इस प्लेयर के ऊपर हम लोग भरोसा करेंगे आपको आपकी जानकारी बता दूँ कि रोबिन बिस्ट जो है ना वो इंडिया में दिल्ली की तरफ से यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल की मैचेस खेला हुआ प्लेयर है ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को आगे हम लोग यहाँ पर राहुल सोनी को लेके जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यहाँ पर इवन कप्तान वाइस कैप्टन भी किया हमने इसी टूर्नामेंट के लिए एक बार हालांकि परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त नहीं है लेकिन भरोसा कर सकते हैं आप लोग इनको कप्तान वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हैं अगर बेली बैटिंग आती है तो हो सकता है पर कभी भी इस लेवल के परफॉर्मेंस दे सकता है ये बंदा ध्यान में रखिएगा कई बार इन्होंने ये बड़े कारनामे किए हुए अब्दुल अजीज मोहम्मद राशिद जबरदस्त फॉर्म में एज अ प्लेयर वेरी इम्पोर्ट पिक कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक के कप्तान वाइस कैप्टन मोहम्मद अजीज ही होंगे लास्ट मैच के लिए भी बहुत ज्यादा इनका सिलेक्शन था कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए तो आज की इस मैच के लिए भी यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिल सकता है आर्यन शर्मा मेरे लिए इंपोर्टेंस रहेंगे देखो लास्ट मैच सिर्फ चार रन किए बैटिंग से काफी नीचे राय है हालांकि है ये ओपनर बल्लेबाज तो आई थिंक यहाँ पर राहुल सोनी के साथ ये ओपनिंग करवाना चाहिए था लेकिन नहीं करवाया आ, थोड़ा सा शॉकिंग हूँ मैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है यहाँ पर और कई बार यहाँ पर बड़ी पारियाँ खेल सकते हैं देखो इससे पहले वाली टूर्नामेंट अगर आप लोग देखोगे तो फोर्टी थ्री फोर्टी टू फोर्टी थ्री और ट्वेंटी टू इसके पहले वाली टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर सेवेंटी सिक्स थ्री थी सिक्सटी थ्री तो इस लेवल का प्लेयर है यहाँ पर तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा राहुल सोनी और आर्यन शर्मा इन दोनों के बीच में अगर पार्टनरशिप हुई तो आई थिंक दोनों ही बड़े एडवांटेज दे सकते हैं बाकी शकीर हैदुरू ने पहली दो मैच के अंदर दो विकेट निकालने के बाद कोई इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा इवन ओवर्स भी नहीं कर भाई पिछली तीनों मैच के अंदर अभी के लिए कोई चॉइस ना मिले तभी ट्राई करिएगा बाकी आगे बात करें हम लोग यहाँ पर सुमित सिंह घोषन जिन्होंने सेकंड लास्ट मैच के अंदर दो विकेट निकाले इनका कोई कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि इसके पहले दो मैच के अंदर दो दो विकेट निकाल चुके हैं देख सकते हैं आप लोग बाकी दो मैच के अंदर विकेट ले सकें भरोसा करना चाहो तो कर सकते हैं बाकी यहाँ से आर्यन शर्मा कभी भी बड़ा कारनामा कर सकते तो यहाँ से सुमित सिंह गोशन की जगह पर चाहो तो यहाँ पर आर्यन शर्मा को ले सकते हैं शायद मैं मेरी टीम के अंदर लेके जाऊँगा हरजिंदर सिंह जो कि यहाँ पर देथोस्ट वगैरह में गेंदबाजी करवा लेते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा दो बार विकेट निकाले तीन बार विकेट ले रहे साजिब खान ने चार विकेट निकाला लास्ट मैच के पहले पाँच यार इवन लास्ट मैच के अंदर साजिब खान हमारे कप्तान थे और इस मैच के लिए भी कप्तान वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट भी गए यहाँ पर बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर गेंदबाज हर मैच के ने एक दो विकेट निकाल देखिए तो यहाँ पर सिर्फ एक मैच के अंदर विकेट लेस रहा है बाकी देखो आप पांच विकेट दो विकेट दो विकेट और लास्ट में चार विकेट तो बेहतर पी के हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए बाकी सकी रजीज वेरी इंपॉर्टेंटेंटें स्टार्टिंग में, आवर सक्की में आप सक्की रजीज मोहित राघव डेथ देखो में पर घोशन और साजेब खान डेथ में इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम से जुड़े रहेगा लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आगे बात करें हम लोग यहाँ पर जी एस टी सी है यहाँ पर एस नहीं है दो मैच के लिए यहाँ से दोनों की दोनों हार के आ रही है ओपनिंग में कौन है तो शान अशगर और इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद इमरान ओडी इनका पूरा नाम है यहाँ पर इमरान ओडी जो कि की विकेट कीपिंग सेक्शन से देखेंगे देखो भाई ये बंदा भी तगड़ा मारा है देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैं खुद यहाँ से बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मेरे पास तीन ऑप्शन हैं और तीनों के दोनों यहाँ पर तगड़े ऑप्शन हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे भी है शानक असगर को आप लोग डिफरेंस लेवल में ले सकते हैं एक सौ उनचालीस मैच के अंदर करीब इकतीस के ओवरे से तीन हज़ार सात सौ दस रन है और ऐसी टूर्नामेंट के अंदर पहली बार खेल रहे हैं इसके पहले एकदम लोकल लेवल की मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं जहाँ पर इनके उन्होंने एक मैच के अंदर पचपन विकेट्स भी निकाला हुआ है इंतजार अली ने लास्ट मैच के अंदर इंतजार नहीं किया तीन विकेट निकाल लिए इन्होंने तीन ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए बाकी रिसेंटली फॉर्म ठीक है यहाँ पर कुछ मैचेस के अंदर एक विकेट्स इन्होंने जरूर निकाले थे इरफान अशरफ ने पहली मैच के ना फिफ्टी वन किए लास्ट मैच के ना सिर्फ छः रन किए बाकी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा देखो आप लोग यहाँ पर कितने एक के देखेंगे आप लोग ग्यारह रन एक रन ग्यारह रन एक रन एक रन तेरह रन तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः मैच के अंदर तीन तीन छः दो आठ इक्के ओके पहली मैच के अंदर शुरुआत अच्छी की थी चाहो तो रिस्क ले सकते हैं बाकी सैयद हम शक्लन ओवर्स करवाएंगे तो विकेट निकालेंगे पहली मैच के अंदर देख सकते हो आप लोग ओवर्स नहीं करवाई थी बाकी लास्ट मैच के अंदर ओवर्स भी करवाई और दो विकेट्स भी निकाले मलिक मुबीन ने चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए विकेट ले सर ओवरऑल टू फिफ्टी फोर मैच के अंदर टू सिक्सटी एट विकेट्स है हर मैच में ओवस पूरी करवाएगा बाकी वजाद बट ने पहली मैच के अंदर ओवर करवाई लास्ट मैच ने ओवस नहीं करवाया ये बंदा भी ओवर्स करवाएगा तो वेरी डेंजरस बाकी अभी के लिए क्वेश्चन रहेगा आगे करवाएगा नहीं करवाएगा कंफर्म नहीं है सैफुल्ला नूर वेरी इंपॉर्टेंट पिक इस प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना ये बंदा लास्ट मैच के अंदर भी हमारे लिए ट्रम्प कार्ड था और आगे भी हम लोग इनको लेके जाएंगे सैफुल्ला नूर को सनी आजम जिन्होंने लास्ट में चार ओर की गेंदबाजी की बाकी रीसेंटली फॉर्म थोड़ा सा ठीक ठाक है देखो पिछली टूर्नामेंट के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था दो विकेट निकाले थे बाकी इसके बेले यहाँ पर तीन विकेट यहाँ पर दो विकेट जैसा परफॉर्मेंस दिया था कोई चॉइस हम लोग तो ट्राई करेगा अर्शरन बिल्ला के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं तो अगर कुछ अपडेट वगैरह रहेंगे तो मैं टेलीग्राम में दूंगा बाकी अभी के लिए इनको लेके जाना ठीक है यहाँ पर साजिब आलम ने पहली मैच के अंदर टॉप में खेला था ध्यान में रखिएगा ये आई थिंक यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पर खेला था पहली मैच के अंदर जहाँ पर चौवालीस रन की पारी खेली साथ में दो विकेट निकाली और लास्ट में कहने छः रन किए और रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं बैटिंग से ऊपर आ सकता है स्टार्टिंग में मुबिन और सैफुल्ला नूर दे थो उसमें पर मुबिन के साथ इंतजार अली इसके साथ बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दिए जाएंगे टेलीग्राम से जुड़े रहेगा लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी लिंक से ज्वाइन करना है अभी के लिए देख लेते हमारी डेमो फेंटासी टीम कौन सी हो सकती है कौन से प्लेयर को लेकर जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं अभी अगर सफी तरीक अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ पर एक और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा क्योंकि एक भी विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा और ये जब पहली मैच खेले थे तब यहाँ पर रिटायर्ड हट हुए थे अभी के लिए देख लेते हमारी डेमो फेंटासी टीम कौन सी हो सकती है कौन से प्लेयर को लेकर जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से आर्यन शर्मा और राहुल सोनी हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी आप लोग चाहो तो फंसे वजाह भट्ट को भी ले सकते हैं बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आर बिस्ट और यहाँ पर मोहम्मद इमरान ओडी हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर आप लोग चाहो तो इरफान अशरफ को ले सकते हैं प्लेयर अच्छा है चांस मिलेगा यहाँ पर बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं इसके अलावा ऐसे साजिब आलम आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकता है एस सिंह गोशेन है इनको आप लोग रिस्की खेलो खेलों ट्राई कर सकते हैं हालांकि इन्होंने दो बार दो विकेट कंसिस्टेंट निकाली थी ये भी ध्यान में रखेगा इसी टूर्नामेंट के अंदर आगे बात करें हम लोग यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर अब्दुल अजीज़ अंसारी इनके साथ यहाँ पर एस एम इनके साथ यहाँ पर मोहित राघव हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी यहाँ पर कोई खास बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पर अजहरुद्दीन कुरेशी अगर अवेलेबल रहेंगे तो आप लोग इनको लेके जा सकते हैं इसके अलावा ऐसे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर शक्की अजीज़ अफरीदी शाहजेब खान इनके सारे भर इंतजार अली और सैफुल्ला नूर रहेंगे यहाँ पर आप लोग हरजिंदर सिंह को ले सकते हैं क्योंकि ये कभी कभार देत होश में गेंदबाजी करवा लेते हैं शाहिब आलम को डिफरेंस जिले में ले सकते हैं टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे रहेंगे ऐसे मोहित राघव वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर एस खान को किए इसके अलावा ऐसे पब्लिक की चॉइस की बात करते हैं तो मैं आपको पब्लिक चॉइस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई बड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो पब्लिक चॉइस क्या है यहाँ पर अब्दुल अजीज़ अंसारी बेस्ट ऑप्शन है आप तक तो इनको भी कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं लेकिन मेरा कहीं ना कहीं इनके ऊपर भरोसा हो रहा है टीम को जिस तरह से रहेगी लाइनअप में कोई चेंजेस रहेगा तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में दूंगा टेलीग्राम से जुड़िएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट कर देना साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली और अच्छे में चीज के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिलेंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगे क्या देखो करना कुछ इन्हें सिंपल सी बात है वीडियो को देख रहे हो पूरा देखो अच्छे से एनालिसिस करो अच्छी टीम बनाओ अच्छी विनिंग करते रहो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय धन्यवाद जय हिंद जय भारत